हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनएसबी में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछली एग्जामों में जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हेमटाइट किस धातु का अयस्क है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि हेमटाइट किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि हेमटाइट जो है लोहे धातु का अयस्क है। थोड़ा सा अयस्क के बारे में देख लेते हैं कि अयस्क होता क्या है। अयस्क तो अयस्क जो होता है कि वह खनिज जिनमें अधिक मात्रा में एवं कम खर्च में जो है क्या किया जाता है, शुद्ध धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, उन खनिजों को जो है क्या कहते हैं? अयस्क कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि जो आपके सभी खनिज होते हैं, खनिज यानी कि अयस्क का निष्कर्षण जो है किससे किया जाता है? खनिज से किया जाता है, और खनिज से जो है अयस्क निकाले जाते हैं। लेकिन सभी खनिज जो है आपके अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क जो होते हैं आपके खनिज होते हैं। तो एक चीज जो है ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछ देता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? यानी कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु, एल्यूमिनियम के मिश्रण से जो है इसमें से कौन से मिश्र धातु का निर्माण किया गया जिसमें कि एल्यूमिनियम मौजूद हो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका जो है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि मैग्नीलियम। मैग्नीलियम जो है एल्यूमिनियम का मिश्रण है। मैग्नीलियम जो है आपका दो धातुओं से मिलाकर के बनाया गया है। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम जो है आपके दो धातु कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और दूसरा हो गया आपका मैग्नीशियम। कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को आपस में जब मिलाएंगे तो इन दोनों के मिश्रण से जो है क्या बना? मैग्नीलियम बना। अब आते हैं थोड़ा सा कांसा के बारे में देख लेते हैं कि कांसा, कांसा कैसे बना। तो कांसा जो है आपका, ये आपका तांबे यानी कि तांबा धातु, तांबे प्लस रंगे से मिला करके जो है कांसा का निर्माण किया गया। अब आते हैं जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर कैसे बना? जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर जो है आपके तांबा, जास्ता, तांबा, जास्ता और निकल, निकल, इन तीनों से मिलाकर के जो है जर्मन सिल्वर का निर्माण किया गया। अब आते हैं कि इसमें कभी कभी जो है क्या किया जाता है कि सीसा और टीन, इनको भी मिलाकर के जो है जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। अब आते हैं कि पीतल, तो पीतल तो आप सभी को पता होगा कि पीतल का निर्माण जो है कैसे होता है। आपको सारे लोगों को जो है पीतल के बारे में याद होगा कि पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्रण है। किसका? तांबा प्लस जिंक, इनका मिश्रण है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है?
एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, डाइऑक्साइड, कोडम, फेल्सपार, ये सभी। यानी कि एल्युमिनियम का जो है इन तीनों में से, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा, ये सभी इन तीनों में से जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। इन तीनों अयस्कों से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे। तो क्वेश्चन नंबर चार है कि साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? आपको बताना है कि साधारण कांच किसका मिश्रण होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सिलिका, ये सभी। यानी कि इसका भी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। यानी कि कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट और सिलिका का जो है मिश्रण होता है क्या? साधारण कांच। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपके पास चार ऑप्शन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इन चारों में से बताना है कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।